प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। सो अज की इस वीडियो के असी कंप्यूटर साइंस जमात 11वीं दे पार्ट 9 की दोहराई लैके हाजिर हुए हैं। सो आओ असी हुण इस पार्ट की दोहराई शुरू करते हैं। पहला साढ़े को खाली थावां भरो। पहली खाली थां है डैश का मतलब है दो या दो तो ज़्यादा लाइना विचली दूरी। तो साढ़े को सही उत्तर है लीडिंग। लीडिंग का मतलब है दो या दो तो ज़्यादा लाइना विच दूरी। दूसरी साढ़े को खाली थां है फ्रेम संबंध सूचना और ग्राफिक्स नूं डैश करते हैं। तो साढ़े कोल सही उत्तर है इकट्ठा। फ्रेम संबंध सूचना और ग्राफिक्स नूं इकट्ठा करते हैं। तीसरी खाली थां है WYSI WYG जिसनों असीं कहिंदे आ विज आई विग का मतलब है डैश। इसका पूरा मतलब है वट यू सी इज वट यू गैट। चौथी साढ़े कोल खाली थां है असीं कई तरीकों द्वारा डॉक्यूमेंट नूं डैश कर सकते हैं। तो साढ़े कोल इसका सही उत्तर है असी कई तरीकों द्वारा डॉक्यूमेंट नूं प्रिंट कर सकते हैं। अगे साढ़े कोल पंजवीं खाली थां है सब तो तेज रंगदार लेजर प्रिंटर डैश पेज प्रिंट कर सकता है। साढ़े कोल इसका सही उत्तर है सब तो तेज रंगदार लेजर प्रिंटर 200 पेज प्रिंट कर सकता है। अगे साढ़े कोल सही गल दसो। पहला साढ़े कोल सही गल दा हैडर पेज दे नीचे लिखे जाते हैं गलत। दूसरा है MS वर्ड डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है गलत। तीसरा है पेज तैयार करने वेले सानू प्लानिंग की लोड़ नहीं होंगी गलत। चौथी साढ़े को सही गलत है स्टाइल विच बुलेट आदि शामिल होंगे हैं सही। पंजवीं साढ़े को सही गलत है स्केलिंग दो या ज़्यादा लाइनों विचली दूरी नूं किया जाता है गलत। अगे साढ़े कोल छोटे उत्तर वाले प्रश्न। पहला प्रश्न है डेस्कटॉप पब्लिशिंग तो की भाव है। सो डेस्कटॉप पब्लिशिंग नूं DTP भी किया जाता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग का संबंध कंप्यूटर की उस एप्लीकेशन नाल है जिहड़ी छोटियां कंपनियां या व्यक्तियों लई कंप्यूटर राहीं रिपोर्टां विजिटिंग कार्ड कैलेंडर इश्तिहार मैगजीन आदि नूं चंगी क्वालिटी नाल छापदा है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर राहीं किसी भी भाषा के अक्षरां नूं बड़े वधिया ढंग नाल अते बहुत सारे तरीकों नाल लिखिया या छापिया जा सकता है। अगे साढ़े कोल दूसरा प्रश्न है प्रिंटिंग के कड़े कड़े तरीके हैं। सो प्रिंटिंग के आम तौर पर साढ़े कोल दो तरीके होंगे हैं। पहला है ऑफसैट प्रिंटिंग। ऑफसैट प्रिंटिंग आम तौर पर हर प्रिंटिंग ऑफसैट ही होंगी है और इस विच स्याही पेपर पर बैठ जाती है। जेकर सानू किसी डॉक्यूमेंट की बहुत सारिया कॉपियां करनिया हो तो ऑफसैट प्रिंटिंग ही सस्ती और वधिया रहिंदी है। दूसरी किस्म है लेज़र प्रिंटिंग। लेज़र प्रिंटिंग की वरतों वधिया टैक्सट और ग्राफिक्स को प्रिंट करने लई कीती जाती है। लेज़र प्रिंटर एक नॉन इंपैक्ट फोटोकॉपियर टेक्नोलॉजी की वरतों करता है। एक ब्लैंक एंड वाइट लेज़र प्रिंटर मॉडल 1 मिनट में 200 पेज प्रिंट कर सकता है। अगे साढ़े कोल तीसरा प्रश्न है स्केलिंग ट्रैकिंग और लीडिंग बारे जानकारी दिओ। तो पहला असीं जान लैंदे हां स्केलिंग। स्केलिंग एक डॉक्यूमेंट विच बहुत सारे तरीकों द्वारा फोंट नूं फैलाया या संगोड़िया जा सकता है। इसका मतलब है कि फोंट के पॉइंट नूं बिना वधाया या घटाया असीं अक्षरां की चौड़ाई नूं वधा या घटा सकते हैं जिसनों स्केलिंग कहिंदे हन। दूसरा है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग का मतलब है कि किसी भी वर्ड या लाइन के अक्षरां विच दूरी नूं पैदा करना या लियाना। तीसरा है लीडिंग। लीडिंग दो या ज़्यादा लाइना विचली दूरी नूं दर्शाउंदी है। चौथा साढ़े कोल प्रश्न है विज आई विग तो की भाव है। सो विज आई विग का पूरा नाम वट यू सी इज वट यू गैट है। इस शब्द की वरतों कंप्यूटिंग लई कीती जाती है कि कंप्यूटर विचला इलैक्ट्रॉनिक पेज जो असी वेख रहे हुंदे हां कि वह आउटपुट की तरह दिख रहा है या नहीं। यह पेज प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट वैब पेज या स्लाइड आदि भी हो सकता है। पंजवा प्रश्न है मार्जिन की होंदा है। सो जिवें कि तुसीं हटा चित्र भी देख पा रहे हो मार्जिन टैक्सट की खब्बे सज्जे उपर अते थल्ले तो टैक्सट की दूरी नूं कहा जाता है। मार्जिन 1 इंच के होंदे हन अते इस नूं अपनी इच्छा या जरूरत अनुसार वधाया या घटाया भी जा सकता है। अगे साडे कोल आ वड्डे उत्तर वाले प्रश्न। पहला प्रश्न है पेज लेआउट तो की भाव है। पेज लेआउट का मतलब है किसी डॉक्यूमेंट का खाका तैयार करना। खाका तैयार करने तो भाव है कि पेज उत्ते ऑब्जेक्ट की स्थिति में तय करना। ऑब्जेक्ट कोई टैक्सट तस्वीर या कोई खास निशान भी हो सकता है। किसी डॉक्यूमेंट का पेज लेआउट सैट करने वेले उस पेज के मार्जिन ऑब्जेक्ट
टेक्स्ट, फॉन्ट साइज, कलर अते डिजाइन आदि का पूरा ध्यान रखा जाता है। डॉक्यूमेंट का लेआउट कंट्रोल करने लई डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर की लोड़ पैंदी है। अखबार, मैगजीन, बिजनेस कार्ड आदि तैयार करने तो पहला इन्हां दा लेआउट तैयार करना जरूरी हुंदा है। दूसरा साडे कोल प्रश्न है, फोंट की हुंदे हन? सो फोंट दा अर्थ अक्षरां दी बनावट, इह टाइपफेस अते होर खूबियां दा मिश्रण हुंदा है, जिवें कि फोंट दा आकार, चौड़ाई आदि। कुछ आम वरते जाण वाले फोंट्स हन एरियल, टाइम न्यू रोमन आदि। एरियल, टाइम न्यू रोमन आदि टाइपफेस हैं जो कि अक्षरों की बनावट और आकार आदि को दर्शाते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर में वख-वख किस्म के फोंट वरते जाते हैं और डॉक्यूमेंट तैयार किए जा सकते हैं। एक टाइपफेस वाले फोंट के सैट को फोंट फैमिली भी कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग और वर्ड प्रोसैसर अंतर लिखो। तो साढ़े को सब तो पहला अंतर है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑब्जेक्ट आधारित सॉफ्टवेयर है जबकि वर्ड प्रोसैसर टैक्सट आधारित सॉफ्टवेयर है। दूसरा पॉइंट, डेस्कटॉप पब्लिशिंग पेज लेआउट वाल ज़्यादा ध्यान दिता जाता है जबकि वर्ड प्रोसैसर शब्दों की शुद्धता वाल ज़्यादा ध्यान दिता जाता है। तीसरा पॉइंट, डेस्कटॉप पब्लिशिंग पेज लेआउट तैयार करना आसान होता है जबकि वर्ड प्रोसैसर पेज लेआउट उपर ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता। चौथा पॉइंट, डेस्कटॉप पब्लिशिंग हर एक ऑब्जेक्ट अलग अलग कंट्रोल किया जा सकता है जबकि वर्ड प्रोसैसर सारे टैक्सट इकट्ठा ही कंट्रोल किया जा सकता है। अगे पंजवा पॉइंट, डेस्कटॉप पब्लिशिंग की वरतों करके विजिटिंग कार्ड, मैगजीन, कैलेंडर, इश्तहार आदि चंगी क्वालिटी में तैयार किए जाते हैं जबकि वर्ड प्रोसैसर की वरतों करके साधारण टैक्सट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं। छेवां पॉइंट, डेस्कटॉप पब्लिशिंग तैयार किया डॉक्यूमेंट प्रिंट होने तो बाद विज आई विज के मुकाबले दे बिल्कुल नेड़े होता है जबकि वर्ड प्रोसैसर तैयार किया डॉक्यूमेंट प्रिंट होने तो बाद एक आम रंगदार लेजर प्रिंटर उपर प्रिंट लैन योग होता है। सातवां पॉइंट, डेस्कटॉप पब्लिशिंग दियाँ एक्सटेंशन हैं .psd, .cdr, .puv आदि होंदिया हैं जबकि वर्ड प्रोसैसर की एक्सटेंशन .doc, .docx, .rtf आदि होंदिया हैं। आठवां पॉइंट, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के उदाहरण अडोब पेज मेकर, अडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रा, MS पब्लिशर आदि हैं जबकि वर्ड प्रोसैसर की उदाहरण हैं MS वर्ड, वर्ड पैड आदि। अगे साढ़े को चौथा प्रश्न है, डॉक्यूमेंट प्लानिंग तो की भाव है? सो डॉक्यूमेंट प्लानिंग तो भाव है किसी डॉक्यूमेंट को तैयार करने लई योजना तैयार करना। डॉक्यूमेंट की योजना तैयार करते समय हेठ लिखिया चीज़ों वाल ध्यान दिता जाता है। सब तो पहला है पेज लेआउट। पेज लेआउट का मतलब है किसी डॉक्यूमेंट की प्लानिंग करना ज उसका खाका तैयार करना। दूसरा पॉइंट है स्टाइल। स्टाइल का अर्थ है डॉक्यूमेंट में फॉरमैटिंग करना और इस विच हैडर, फुटर, बुलेट आदि शामिल होंदे हैं। तीसरा पॉइंट है मार्जिन। ये टैक्सट की खब्बे, सज्जे, उपर हेठां वालों दूरी नूं दर्शाउंदा है। चौथा पॉइंट है हैडर। हैडर वह टैक्सट हुंदा है जिहड़ा पेज के उपरले हिस्से ते प्रिंट किया जाता है। हैडर विच पाठ का नाम, पेज नंबर आदि लिखे जा सकते हैं। पंजवा है फुटर। फुटर वह टैक्सट हुंदा है जो पेज के निचले हिस्से ते प्रिंट किया जाता है। फुटर विच पेज नंबर आदि लिखे जाते हैं। छेवां पॉइंट है फोंट। फोंट का अर्थ है अक्षरों की बनावट। यह टाइपफेस तो टाइपफेस अते होर खूबियां का मिश्रण होंदा है जिवें कि फोंट का आकार, चौड़ाई, स्टाइल आदि। अगे साढ़े कोल पंजवा प्रश्न है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग की है, इसकी की लोड होंदी है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग लई किहड़े किहड़े सॉफ्टवेयर वरते जाते हैं? सब तो पहले असीं जान लैंदे हां डेस्कटॉप पब्लिशिंग की है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग नूं DTP नाम नाल भी जाने जाता है। DTP वह एप्लीकेशन है जिसकी वरतों करके कंप्यूटर की मदद नाल विजिटिंग कार्ड, मैगजीन, कैलेंडर, इश्तहार आदि चंगी क्वालिटी नाल छाप सकते हैं। यह काम पब्लिशिंग अते प्रिंटिंग नाल संबंधित होंदा है। उस तो बाद असीं जान लैंदे हां डेस्कटॉप पब्लिशिंग की की लोड़ क्यों पैंदी है। सो डॉक्यूमेंट सुंदर, सही अते वधिया डिजाइन नाल तैयार करन लई डेस्कटॉप पब्लिशिंग एप्लीकेशन की वरतों की जाती है। इस विच पेज लेआउट तैयार करना आसान होंदा है। इस विच हर एक ऑब्जेक्ट
जिमें कि टैक्सट और ग्राफिक्स अलग अलग कंट्रोल किया जा सकता है। हम अगे असं जान लें डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के लिए सू आम तौर पर तीन तरह के सॉफ्टवेयर की लड़ पी है। पहला है पेज लेआउट, इस तरह की पब्लिशिंग अडोब पेज मेकर आदि सॉफ्टवेयर वरते जाते हैं। दूसरा है एडिटिंग, इस तरह की पब्लिशिंग अडोब फोटोशॉप कोरल फोटोपेंट आदि सॉफ्टवेयर वरते जाते हैं। तीसरा है इलस्ट्रेशन, इस तरह की पब्लिशिंग कोरल ड्रा एम एस पब्लिशर आदि सॉफ्टवेयर वरते जाते हैं। सो बच्चे जेकर तुहानू ये वीडियो वधिया लगी अते तुसी जानते हो इस तरह नाल तुहानू कंप्यूटर दियां वीडियोज़ देखण नू मिलदियां रहन तां तुसी इस चैनल नू लाइक सबसक्राइब अते शेयर करना ना भुल्यो। धन्यवाद।